हाय गाइस, जीके के बिना एग्जाम क्रैक करना इज इम्पॉसिबल। ये एग्जाम तो आप क्रैक ही नहीं कर पाओगे अगर जीके में हमने मिनिमम स्कोर ना कर मारा तो। सो टुडे वी गोइंग टू लुक एट थ्री थिंग्स यू नीड टू डू टू गेट गुड स्कोर इन जीके। बट बिफोर दैट वी आर लॉन्चिंग अवर प्रोग्राम। इन केस यू वांट टू जॉइन अस फॉर द बुक्स, मॉक्स, शॉर्टकट्स, एनी ऑफ दीज थिंग्स और ऑल ऑफ देम, यू कैन जस्ट कॉल और व्हाट्सएप एनी ऑफ द नंबर्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो वी लॉन्चिंग अवर प्रोग्राम एट सीके ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। हेलो गाइस, अगर तुम्हें जेबी जाना है, सिडनम जाना है या सुमाया तक जाना है, 99% क्रॉस करना है अगर सीमेट में, तो आपको जीके करना पड़ेगा। एंड जीके का बेस्ट पार्ट है जीके स्कोरिंग है यार। जीके में कुछ ऐसा हाई फाई चीजें नहीं है। 5 मिनट के अंदर तुम्हारे 20 के 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू गो थ्री थिंग्स। तीन चीज अगर हमने इम्प्रूव कर लिया तो वी कैन स्कोर रॉक सॉलिड मार्क्स इन द जीके सेक्शन। तीन चीजें वो करनी है, मेन दो चीजें ही है तीसरी एग्जाम्पल के लिए और सीमेट एग्जाम। अभी से स्टार्ट कर दो तो वी कैन गेट ए गुड स्कोर। सो नंबर थ्री ऑन द लिस्ट इज ceting.com/cet। आपको लास्ट 1 साल का पीडीएफ डाउनलोड करना है, जैन से लेकर दिसंबर तक का, इस साल का, ताकि मैं पूरा वो दोबारा देख के जा सकूँ, पूरा वो पीडीएफ अच्छे से करके जा सकूँ। करंट अफेयर के क्वेश्चन इस बार सीमेट में नहीं आए थे, उनको क्या किया, स्टैटिक जीके में कन्वर्ट कर दिया। यूरोप की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है पता है इन लोगों को? फ्रांस हो सकता है, जर्मनी हो सकता है, आंसर यूक्रेन। ठीक है, अभी सबको पता है कि रशिया का वॉर चल रहा है, तो वॉर वाला क्वेश्चन नहीं आ गया। रशिया का वॉर किसके साथ चल रहा है तो पता ही भैया किसके साथ चल रहा है, तो घुमा के क्वेश्चन क्या आया कि सेकंड लार्जेस्ट क्या है। ये सारी चीजें अगर मैं डिटेल में पढ़ूंगा ना, पीडीएफ वहीं से मिलेगा। तो यू हैव टू रीड द पीडीएफ नॉट फ्रॉम द करंट अफेयर बट फ्रॉम द नॉलेज गेनिंग एवरीथिंग। ठीक है, नंबर वन थिंग ceting.com/gk पे जाओ, डाउनलोड करो, सॉल्व करो, ये आपको करना ही करना है। नंबर वन एक्टिविटी। नंबर टू एक्टिविटी GK30। इन योर लॉगिन आईडी देयर 30 वीडियोस, नोबेल प्राइज, बुक्स, ऑथर्स, जितने भी मेन मेन स्टैटिक जीके के फोकस पॉइंट्स हैं जो रिपीट होते कॉमनली, वो सारे मैंने इकट्ठे कर दिए GK30 में। तो 30 वीडियो आपको देखने हैं, अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। रोज का एक वीडियो अभी से स्टार्ट कर दो। ये चीज भी, ये जीके का भी, अभी से हर महीने का एक एक पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्लीज सॉल्व करते जाओ। नंबर वन ऑन द लिस्ट इज लास्ट ईयर का सीमेट पेपर। आई वॉन्ट टू गो थ्रू लास्ट ईयर का सीमेट पेपर एंड देन प्लान GK30 एंड करंट अफेयर बेस्ड ऑन दैट, ताकि उनको आइडिया है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो ये आपके सामने सीमेट एग्जाम का इस साल का पेपर है। हु वॉज द रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? पता ही नहीं यार। विच कंट्री इज कॉल्ड ब्रानर रिपब्लिक? ये ब्रानर रिपब्लिक कुछ भी हुआ होगा उसके ऊपर करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अमृता सेन वॉज अवार्डेड विच प्राइज? ये भी करंट अफेयर है। दो क्वेश्चन हमारे पास करंट अफेयर के सीधे सीधे यहाँ पे दिख रहे हैं। विच डांस फॉर्म शेयर सिमेटिक विद द पर्शियन डांस? पता ही नहीं यार। हाँ, तो हमने क्या किया, आपके लॉगिन में वीडियो डाल दी, इसमें सारे डांसेस, कौन से डांसेस कहाँ पे हैं। आर्टिकल 356 से व्हाट? अभी ये भी न्यूज में आया था आर्टिकल 356 लास्ट ईयर। हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द इंटरनेशनल हाई कोर्ट? फुल फॉर्म ऑफ GNPA, मैकडोनल्ड अमूल की टैगलाइन। मैकडी क्या है, फिंगर लिकिंग गुड ना शायद, आई एम लविंग इट। सदर मोस्ट पॉइंट इन इंडिया, पर्सनल कल्चर डांस फॉर्म, ब्रांड टैगलाइन, दीज आर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप क्वेश्चन, दीज क्वेश्चन। बटरफ्लाई इज इन विच स्पोर्ट? ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रोक करके होता है स्विमिंग में। तो अपना टारगेट स्कोर इज 40+। सो इन केस यू ज्वाइन अ प्रोग्राम, यू कैन ज्वाइन अवर प्रोग्राम सो दैट वी कैन स्कोर 40+ मार्क्स इन जीके सेक्शन। All right, all the best.